The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, शुरू करते हैं फिर से एक बार. आज बातचीत हो रही है डेंगू के बारे में. डेंगू, डेंगी बहुत ही ज्यादा डेंजरस बीमारी है, जानलेवा बीमारी है. प्लेटलेट काउंट कम कर सकती है, हिमोरेजिक फीवर कर सकती है, ब्लीडिंग कर सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है. इसीलिए इस पर्टिकुलर वायर डेंगी के बुखार के लिए आपको टेस्टिंग कौन सी होती है वो आपको पता होना चाहिए. सो गाइडलाइन के मुताबिक जो इंसान ऐसे एरिया में रहता है या ऐसे एरिया में ट्रैवल करता है जहाँ पर डेंगी वायरस ट्रांसमिट हो रहा है और रिसेंटली बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, दिख रहा है, और जहाँ पे एंडेमिक है वहाँ पर फिर आपको रहने वालों को और जाने वालों को ये टेस्ट कराना चाहिए जब भी उनको कोई भी साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं डेंगू वायरस के. जैसे कि किसी को भी फीवर है और सर में दर्द है, रैश है, बॉडी एक है, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन कहीं से भी कोई भी ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए. और डेंगू जो है कभी कभी मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस ब्रेन के सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट करता है. डेंगू वायरस की जो टेस्टिंग है सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों में करना है जिसको कोई लक्षण नहीं उसकी टेस्टिंग नहीं. ठीक है, जिसको कोई लक्षण नहीं उसकी टेस्टिंग नहीं. प्री कंसेप्शन भी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब प्रेगनेंसी करने के लिए जो प्लान कर रहे हैं. जिनको सिम्टम है जो डेंगू के लिए नज़र आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग कायदे से दो तरीके से होनी चाहिए. एक होता है मॉलिक्यूलर टेस्ट, एक होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट. सीरोलॉजिकल टेस्ट एंड मॉलिक्यूलर टेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 7 डे ऑफ इलनेस. पहले 7 दिन के अंदर सीरोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर टेस्ट चाहिए और 7 दिन के बाद सिर्फ सीरोलॉजिकल टेस्ट ही काफी है. ठीक है, अब क्या क्या टेस्ट है सीरोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर टेस्ट डेंगू डेंगू टेस्ट के जो, और उसके लिए क्या स्पेसिमेन की जरूरत होती है. मॉलिक्यूलर टेस्ट का मतलब हुआ जो डेंगू के लिए PCR टेस्ट होता है वो मॉलिक्यूलर टेस्ट जो है वो उसके लिए आपका सीरम यानी कि प्लाज्मा यानी कि होल ब्लड की जरूरत पड़ती है या फिर ब्रेन में दिक्कत हो तो CSF भी निकाल के करा जा सकता है उसका टेस्ट कि उसमें डेंगू का वायरस है कि नहीं. डेंगू का जो वायरस है उसका एंटीजन चेक कर सकते हैं, डेंगू एंटीजन डिटेक्शन NS1 एंटीजन. NS1 एंटीजन डिटेक्शन भी पहले 7 दिनों के अंदर हो जाता है. पहले 7 दिनों में NS1 एंटीजन, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग यानी कि एंटीबॉडी टेस्ट, डेंगू के खिलाफ एंटीबॉडी टेस्ट और टिश्यू टेस्ट. टिश्यू टेस्ट भी पॉसिबल है, 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं. सबसे कॉमन जो टेस्ट हैं वो हैं आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट, डेंगू NS1 एंटीजन और मॉलिक्यूलर टेस्ट. ये 3 टिश्यू टेस्ट उतना कॉमन नहीं होता. अब समझने वाली बात क्या है, पहले इनिशियल फेज को बोलते हैं एक्यूट फेज जब डेंगू होता है आपको, और पहले 1 से 7 दिन के अंदर जब सिम्टम आते हैं तो वो एक्यूट फेज होता है. उस पीरियड में डेंगू वायरस टिपिकली आपके ब्लड में होता है और ब्लड के फ्लूइड्स में होता है यानी सीरम और प्लाज्मा में मिलता है. सो डेंगू वायरस का जो RNA है वो इस पर्टिकुलर ब्लड के अंदर टेस्ट करने से, PCR करने से, मॉलिक्यूलर टेस्ट से हमें दिख जाए. सो इसलिए वो एक अच्छा टेस्ट है. दूसरा, डेंगू वायरस के ऊपर का जो प्रोटीन है NS1 प्रोटीन वो भी आपके ब्लड के अंदर मिल जाता है. तो डेंगू वायरस का एंटीजन डिटेक्ट करके भी टेस्टिंग की जा सकती है. अगर कोई पेशेंट का, लेकिन पॉइंट क्या है, अगर कोई पेशेंट का एंटीजन भी नहीं मिल रहा और मॉलिक्यूलर टेस्ट भी नेगेटिव है तो, या नॉन कंक्लूसिव है, मान लीजिए नेगेटिव का मतलब होता है कि ये हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि इसको डेंगू नहीं है, फिर भी हो सकता है. बिकॉज सिम्टोमेटिक पेशेंट्स पहले 1 से 7 दिन तक जो भी हम सीरम सैंपल लेते हैं उसका टेस्टिंग जो है इट शुड बी डन बाय NAT या NS1 टेस्ट, और उसमें IgM एंटीबॉडी टेस्ट होता है. एंटीबॉडी में IgM IgG होता है. IgM पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि अभी इन्फेक्शन चल रहा है. IgG पॉजिटिव है मतलब इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, इम्यूनिटी आ चुकी है. सो पॉइंट ये है कि जिस प्रकार
कोविड-19 का भी जो टेस्ट होता है एंटीजन की पॉजिटिविटी 50% है, मतलब अगर पॉजिटिव आया तब तो पॉजिटिव है, नेगेटिव आया फिर भी पॉजिटिव हो सकता है। वैसे ही डेंगी में भी होता है कि अगर पॉजिटिव आया तब तो पॉजिटिव है कि है डेंगी, लेकिन अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकता, फिर भी होने के चांसेस होते हैं कुछ परसेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में आपको रात को आवाज आ रही है, आपको लगा चोर आया, आपने जाके देखा, चोर मिला, चोर दिख गया, मतलब चोर है, ये तो पक्का है कि नहीं? चोर हो या चूहा हो, चूहा दिख गया मतलब चूहा है, लेकिन अगर चूहा नहीं दिखा इसका मतलब ये नहीं कि चूहा नहीं है, राइट? सो दैट्स द थिंग हियर। सो इसको समझना जरूरी है। दूसरा फेज जो आता है वो है कन्वलेसेंट फेज, यानी 7 डेज के बाद। 7 डेज के बाद क्या हो जाता है, सिम्टम्स के बाद कन्वलेसेंट फेज जब शुरू होता है, तो जो पेशेंट्स का NS1 एंटीजन नेगेटिव था, जहां पर IgM एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव था फर्स्ट फेज में, उन लोगों के लिए अगेन कन्वलेसेंट सैंपल 7 दिन के बाद रिपीट होना चाहिए सेम IgM एंटीबॉडी के लिए। अगर वो उस समय IgM एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको डेंगी ही था, समझ गया? क्योंकि एंटीबॉडी बनने के लिए हमें 1-2 हफ्ते लगते हैं, 2 हफ्ते 7-10 दिन लग जाते कई बार। सो एंटीबॉडी बनने के लिए टाइम लगता है, और इसीलिए फर्स्ट फेज में वो पॉजिटिव नहीं आते, सेकंड फेज में आ सकते हैं कन्वर्सलेंट फेज में, सेकंड 7 दिन के बाद। सो IgM एंटीबॉडी डेंगू के वायरस के अगर डिटेक्टेबल रह सकती है एक बार आने बनने के बाद, 3 महीने तक, 3 महीने तक एंटीबॉडी रह सकती है IgM। IgM एंटीबॉडी आपके सीरम सैंपल में डिटेक्ट हो जाती है, और जिनको IgM एंटीबॉडी डेंगू के अगेंस्ट मिल जाती है उनको फिर उनका किसका रिपीट होगा, जिनका आया तो NS1 एंटीजन नेगेटिव आया है, जिनको एक्यूट फेज स्पेसिमेन ले ही नहीं पाए, 1 हफ्ते के बाद ही डायरेक्ट आए हैं, उनका होना चाहिए। सो दैट इज हाउ इट इज। और दूसरे वाले भी कई सारे वायरसेस हैं दुनिया के अंदर, डेंगी ही नहीं है। सो इसीलिए कुछ और वायरसेस के लिए भी साथ में चाहो तो टेस्ट किया जा सकता है। जैसे अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ जिका वायरस आ रहा है, फ्लावी वायरस आ रहे हैं, तो वो वायरसेस का भी पता होना चाहिए। बाकी इंडिया के अंदर ज़्यादातर केसेस में, और दूसरे वायरसेस येलो फीवर, वेस्ट नाइल फीवर, तो देर आर सो मैनी सीरोलॉजिकल टेस्ट, बट द मेन टेस्ट हियर जिसके बारे में आज हमें बात करनी है, विच इज़ दी डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट। NS1 एंटीजन सीधा सीधा डेंगू वायरस के ऊपर प्रेजेंट एक प्रोटीन NS1 प्रोटीन को डिटेक्ट करता है ब्लड के अंदर है कि नहीं। और यहाँ पर ये जो बेस्ट टाइम है इसको करने का वो 0-7 डेज का है, और 7 डेज के बाद इस टेस्ट का ज़्यादा महत्व नहीं है। NS1 एंटीजन पहले 7 दिन के अंदर अंदर है और पॉजिटिव आया मतलब डेंगी इन्फेक्शन है, मगर नेगेटिव आया मतलब डेंगी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑलराइट, सो इसमें क्या है, यहाँ आपको डेंगी तो बता देता है कि वहाँ पॉजिटिव है, लेकिन NS1 एंटीजन आपको सीरो टाइप नहीं बताएगा, यानी डेंगी में कौन सा, डेंगी वायरस भी 4 प्रकार के, उसमें कौन सा वायरस है वो नहीं बताएगा, ठीक है? दैट इज द थिंग। उसके अलावा जो स्पेसिमेन यूज होता है एंटीजन में लिए, वो भी आपका ब्लड है, ब्लड का सीरम है। अगेन पॉजिटिव रिजल्ट कंफर्म्स डेंगी इन्फेक्शन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सीरोटाइप इंफॉर्मेशन। नेगेटिव NS1 एंटीजन डज नॉट रूल आउट इन्फेक्शन। पीपल विथ नेगेटिव NS1 शुड बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ IgM एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट पॉसिबल रिसेंट डेंगी एक्सपोजर आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्स्ट इन्फेक्शन सेकेंड फेज में, 7 से 14 दिन के बीच में। सो अच्छी चीज है कि डेंगी NS1 एंटीजन टेस्ट अवेलेबल है, रैपिड है, थोड़ा सस्ता है, इसलिए वो ज़्यादा कॉमनली किया जाता है। मॉलिक्यूलर टेस्ट PCR टेस्ट थोड़ा महंगा होता है, इसलिए वो ज़्यादा कॉमनली नहीं किया जाता। तो अगर आपको डेंगी जैसे कोई भी साइन सिम्टम है, जैसे एकदम फीवर आ रहा है, रैश है, हेडेक, बॉडी एक जॉइंट पेन हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, बॉडी के अंदर रैश है, कहीं पे लालपन आ रहा है, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, नौजिया, वॉमिटिंग भी होती है डेंगी में, तो आप अपना ये टेस्ट करवा सकते हो। टेस्ट में कोई रिस्क नहीं है आपको कराने का, कृपया टेस्ट कराएं। इसके अलावा अपने घर को प्रिकॉशंस के लिए, डेंगी जो वायरसेस के लिए प्रिकॉशंस करें, अपने इंसेक्ट रिपेलेंट्स और लॉन्ग स्लीव्स पहने, घर के बाहर पानी मत जमा होने दें, घर में विंडोज़ में मॉस्किटो शीट्स लगा लें,
या मॉस्किटो नेट के अंदर सोएं, सूरज डूबते समय बाहर ना निकलें, इतना काम करें तो आप बचे रहेंगे, जिंदा रहेंगे, आबाद रहेंगे डेंगू से. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू द सोशल मीडिया ऑफ जो जितने भी आपके दोस्त हैं यार, सबको भेजो. और स्टे कनेक्टेड, स्टे होप.